सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हमारे सभी पेंशन धारक समाज के लिए। आपको बता दें, जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद जंतर मंतर पर जो धरना प्रोटेस्ट चल रहा है उसको उखाड़ फेंकने की मोदी सरकार की जो चाहत थी और उस पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं आंदोलन पर। पीछे भी हमारे पेंशन धारकों को बस में ठूस कर जो है गिरफ्तारी उनकी ली गई थी। अब फिर एक बार धरना प्रोटेस्ट तोड़ने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, लेकिन अब की बार हमारे भूतपूर्व सैनिक कमजोर नहीं है। सभी भूतपूर्व सैनिक एक साथ एकजुट होकर जंतर मंतर पर पहुंचे और आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर सैनिकों का धरना हुआ, अपन इस तरह की अफवाहें चल रही हैं तो पहले तो मैं उसका खंडन करता हूं कि सैनिकों का धरना बरकरार है और हम इस वक्त जंतर मंतर पर ही हैं। दूसरा, इस तरह की एक बार पहले भी आई थी जब आपने देखा होगा कि यहाँ से पहलवानों का धरना हटाया गया था। उस दिन हमारे धरने से भी हमारे कुछ साथियों को अरेस्ट किया गया था और उससे अगले दिन हमारा धरना एज इट इज बरकरार रहा। अब ये बोलते हैं काफ़ी लोग कि इतने दिन हो गए आपको, आज तक मिला क्या? सबसे पहली बात तो ये है आपकी उपलब्धियों में कि आपको आज तक कंटिन्यू आपको यहाँ धरना करने की इजाज़त है, वो आपके आचरण, आपके अनुशासन, उसकी ही देन है। दूसरा, हम यहाँ बैठे क्यों हों ये सबको पता है। आधिकारिक रूप से अगर मैं कहूँ तो अभी तक सरकार की तरफ से हमको कोई भी ऑफिशियली कोई बुलावा नहीं मिला है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि हमारे जो ज्ञापन गए हैं उनके ऊपर उन्होंने रिटर्न में दिया है कि जो विसंगतियाँ हुई हैं हम उनके ऊपर निवारण कर रहे हैं, उनकी छानबीन हो रही है, जांच हो रही है। इसका मतलब यह है कि वहां कुछ काम हो रहा है, लेकिन धरने के लिए यहां से अभी तक कोई टीम ना बुलाई गई है, ना कोई आके प्रतिनिधि ने सरकार की तरफ से किसी ने संपर्क साधा। आज हमारा धरना किस लिए चल रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल आप मेरे बाएं साइड में देखेंगे। हमारे वेटरन सूबेदार प्रगट सिंह साहब जो आज पिछले 5 दिन से शायद घर के जैसी एक भी सुविधा नहीं मिली होगी।